पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब मैं दिल्ली जाऊंगा और काम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिल्ली भी खाली पीली नहीं जाऊंगा। देवास जिले के खातेगांव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उनके भाषण का वीडियो मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिवराज कह रहे हैं कि देश में मोदी जी और यहां मोहन यादव काम करेंगे और अब मामा दिल्ली जाएंगे और दिल्ली भी खाली पीली नहीं जाएंगे। दुबला पतला जरूर हूं लेकिन काम करके छोड़ूंगा, चिंता मत करना, यहां के विकास और बेहतरी के लिए जाएंगे। इस बीच वहां मौजूद एक कार्यकर्ता ने मांग करते हुए कहा कि आपको दिल्ली से दो पद लेकर आने हैं, कृषि मंत्री और पंचायत मंत्री। इस पर शिवराज हंसने लगे। देश में नरेंद्र मोदी जी या मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री, आशीष भाई वहां से काम करेंगे और हम मामा दिल्ली जाएंगे और दिल्ली भी खाली पीली नहीं जाएंगे। दुबला पतला जरूर हूँ लेकिन काम करा के छोड़ूंगा, चिंता मत करना, यहाँ के विकास और बेहतरी के लिए जाएंगे। कोलारी एक बात तय कर ले, अब आज देखा आपने पटेल बाबा, बाकी सारे साथी भी भाजपा में आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अब रहने लायक नहीं बचे। सब दो पद लाना है आपको, कृषि मंत्री और पंचायत मंत्री। अब मैं तो कार्य करता हूँ जो दे देंगे, लेकिन जो काम मिलेगा पूरी प्रमाणिकता के साथ ऐसा करूंगा। ये भैरव जी पद दिलवाएगा भैरव बाबा। मैं तो आपका ही हूँ, आपकी सेवा करूंगा। गांव तय करे कि एक तरफ वोट बीजेपी को करना है, मामा को करना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, बोलिए सब तैयार है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।